अभियान और अलंकार क्रिएशन द्वारा सावन महोत्सव 2018 का आयोजन किया गया, जहां सावन के इस पावन पर्व पर कजरी का मनमोह लेने वाला उत्तर भारत की संस्कृति कजरी के माध्यम से देखने मिला। जहाँ सभी ने अपने बचपन और सखियों के साथ स्टेज पर बने झूले पर झूलकर अपने बीते दिनों की कुछ यादें ताजा की, तो किसी ने अपनी पिया संग झूलकर सावन के महीने का आनंद लिया। बड़ी परेशानी पिया ना, हमके भाव ना ही घर के तलपर पिया, बड़ी परेशानी पिया ना, हमके भाव ना ही घर के तलपर पिया, बड़ी परेशानी पिया ना, 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 हमके भाव ना ही घर के तलपर इस मौके पर स्त्री शक्ति सम्मान में राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता रेखा मिश्रा को सम्मानित किया गया और सावन के गाने पर उनको झूला भी झुलाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के विधायक अमित साटम और पूर्व उप महापौर अरुण देव जी थे, जिन्होंने आए लोगों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम में अभियान संस्था के संस्थापक अमरजीत मिश्र, अलंकार क्रिएशन की अध्यक्षता सुधा सिंह थी, इनका भी सम्मान आए अतिथियों ने किया। कार्यक्रम का आयोजन करने पर लोगों ने अपने गाँव की मिट्टी का आनंद अंधेरी के मेयर हॉल में उठाया। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर भारत और बिहार की संस्कृति, जिस प्रकार से गणेश उत्सव उत्तर भारत और बिहार में भी मनाया जाता है, जिस प्रकार से छठ
मैया की पूजा मुंबई शहर के जू बीच पर भी होती है, उसी प्रकार से कजरी महोत्सव भी यहाँ पर आयोजित होता है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारी विविधता में एकता जो हमें दिखती है, और नेशनल इंटीग्रेशन के दृष्टिकोण से, एक हमारे पूरे देश के एकत्रीकरण के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा। अलंकार क्रिएशन नारी शक्ति के विषय में सुधा जी, हमारी जो नगर सेविका है, उनके नेतृत्व में बहुत अलग अलग प्रकार के उपक्रम जो वो आयोजित करती है, अलग अलग प्रकार के स्लम में रहने वाली गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम वो करती है, वो एक बहुत ही अभिनंदन की पात्र है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में इसी प्रकार से वो अपना अच्छा काम आगे बरकरार रखे। यही प्रश्न अपने महाराज में आई कि बाकी सब पता है कि भैया देखा फलाना झुलावा था अपने महाराज में, तो इसलिए मैं आज के दिन आप सबको साधुवाद देता हूँ। और ये क्रम और ये जज्बा जब अमित साटम जी बोल रहे थे, जिन्होंने जुहू को और अंधेरी पश्चिम को, इस रेगिस्तान को नखलेस्तान बना दिया, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे काम करता है और कैसे अपने आप को समाज में छोड़ देता है। तो इस श्रावण में कजरी महोत्सव में यहाँ पे अमरजीत मिश्रा जी, जो हमारे मुंबई के महामंत्री भी हैं और अभियान के संस्थापक, और हमें लग रहा है 30-35 सालों से वो करते चले आ रहे हैं। झूला झूलते थे सब सहेलियाँ, भाभी, महिलाएं, मोहल्ले की सभी, झूले पे हम लोग बाहर निकलते थे खाना खा के, वहाँ पे रात में हम लोग झूला झूलते थे, कजरी गाते थे एक कजरी, देखिए गा तो नहीं पा रहे लेकिन मजा आता है बिल्कुल। हाँ, अरे रामा रिमझिम बरसे पनिया, चली तो आओ जनिया रे हरी। इस सावन महोत्सव में कजरी गायिका मधु पांडे और लोक गायक सुरेश शुक्ला ने जमकर कजरी गाई और लोगों को अपने गाने से मदहोश कर थिरकने पर मजबूर कर दिया। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बचपन में जो अपने गांव में हम कजरी तीज त्योहार मनाते आए, आज उन्हीं लोगों के बीच में एक महिला सशक्तिकरण के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में वो सम्मान लेते हुए बहुत ही गौरव महसूस हो रहा था, और अपने जो हमने काम किया उसके प्रति भी और आदर भाव जागृत हो रहा था कि आगे में भविष्य में और अच्छा काम करती हूँ। सावन का महीना हो और कजरी और झूले ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब सावन का महीना आता है हर तरफ कजरी का दौर जो है बहने लगता है, हर तरफ कजरी की जो है गूंज गूंजने लगती है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सावन के इस महीने में सिंगर सुरेश शुक्ला जी, जो कजरी, भोजपुरी और हिंदी गानों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं, और उनकी अगर आवाज़ की बात करें तो उनकी आवाज़ को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सुरेश जी, सबसे पहले तो आवाज़ नेशनल टीवी में आपका स्वागत है, जानना चाहेंगे सावन के महीने में क्या विशेषताएँ हैं। सावन आता है तो बादलों को लेकर आता है, बारिश को लेकर आता है, प्रकृति में कहा जाता है वर्षा ऋतु से नया संचार हो जाता है, पूरी तरह चारों तरफ हरियाली हो जाती है, प्रकृति एकदम अपने मतलब सौंदर्य उसका बदल जाता है, पूरा एकदम सौंदर्य चरम पर रहता है। रिमझिम बरसे सावनवा, ये जो गाना है यानी सावन में जब रिमझिम रिमझिम बारिश होते हैं, ऐसे में कजरी का किस तरह से महत्व, और आपके अपने लफ्जों में अगर बात की जाए तो कजरी से आज जिस तरीके से सावन महोत्सव में आपने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, क्या कहना चाहिए? हाँ, अपना देश जो है जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे यहाँ गायकी बदलती है, सुर बदल जाते हैं, मेघ राग गाया जाता है, देश राग गाया जाता है, तमाम ऐसे राग बन गए हैं कि बारिश ऋतु के आप मल्हार गाइए और जब होरी आती है तो होरी के तमाम गाने, इस तरह से हमारा जो कल्चर रहा है बड़ा समय के अनुसार हमारे क्या कहेंगे महापुरुषों ने शोध किया रागों का, सभ्यता का, तो थोड़ी सी कजरी मैं सुनाना चाहूँगा। हर मिर्जापुर कैला गुलजार, कचौड़ी गली सुन कैला बलम, वही मिर्जापुर जहाँ जिया, चढ़ के चली गई लागन, कचौड़ी
कहा जाता है जब बादल लौट के आ जाते हैं, जब परदेसी नहीं लौटता है, अपना पति नहीं लौटता, अपना बेटा नहीं लौटता है, तो कजरी जैसे वर्षा ऋतु बहती है, तो वैसे कहा जाता है निस दिन बरसत नैन हमारे सेवाओं के लिए लिखा, निस दिन बरसत नैन हमारे हर सदा रहत पावस ऋतु पे जब से श्याम सिधारे। यही कजरी है। तो कजरी विरह श्रृंगार तमाम प्रकार के रस को लेके आती है कजरी। और कहा जाता है किसान खेतों में गाता है जब उसकी फसल लहराती है, तो वो एक खुशियाँ है। सुनने के लिए भी आपके सॉन्ग लोग काफ़ी तत्पर रहते हैं। एक गाना आपका फेमस था जो काफ़ी हमने भी सुना है, बहुत ही तोरी बहनियत करी। अच्छा, एक बड़ा गाना, एक हमने गीत गाया था, हमारे इंडस्ट्री में दो ही बहन थी, तो जो देवर है, जैसे आप नदिया के पार फिल्म देखे होंगे, तो उसमें चंदन अब भाभी की बहन से शादी करना चाहते हैं, तो इसे देवर मॉडर्न देवर जो है, अरे भौजी करिश्मा कपूर एस लागल तोहरी बहनिया करीना एस हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी चमकी जिनगिया नगीना एस हमरा अंगूठी में जड़वा द भौजी चमकी जिनगिया नगीना एस। ये गीत भी यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। चलते चलते आवाज़ नेशनल के दर्शकों को सावन की बधाई शुभकामनाएं किस तरह से? चलते चलते जैसे प्रकृति में हर्षोल्लास है, वैसे आपके जीवन में भी हर्षोल्लास बना रहे, फूल की तरह खिलते रहें, कभी मुरझाए नहीं, सकारात्मक सोच के साथ जीवन में लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि मंजिल मिलती रहती है और सुख दुख तो आता जाता है। बिल्कुल, सुख दुख के बारे में चिंता मत करें, सावन की तरह आप भी खिलखिलाते रहिए। ये शुक्ला जी की शुभकामनाएं हैं। प्रेमलता मौर्या के साथ प्रदीप आवाज मुंबई। मुझे नहीं लगता है कि करीब में आज मेरा 6-7 साल हो रहा है धीरे धीरे महाराष्ट्र में आते हुए, मुझे महाराष्ट्र में जरा सा भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं अपने उत्तर भारतीयों या यूपी से अलग हटकर मैं महाराष्ट्र जैसे माया नगरी में आई हूँ। मुझे जितना प्यार सम्मान इस कजरी को लेकर यहाँ मिलता है, ये शायद ज़्यादा हो जाएगा कि यूपी में कजरी को वो महत्व वो स्थान नहीं मिलता है जितना मैं यहाँ महाराष्ट्र में देखती हूँ। तो वाकई महाराष्ट्र में सही मायने में कजरी अगर दिखती है और जिंदा है तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है। खासकर तो मैं सावन है ही कजरी गीत का, तो उसके लिए मैं इतना ही कहूँगी, जो सबसे प्रसिद्ध मिर्जापुर की कजरी है हमारे यहाँ की, हो पिया मेहंदी लिया द मोती झील से और जाय के साय कील से ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाय के साय